हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, कल के सेशन के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे जो कि आपके जनरल नॉलेज पार्ट के थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमने बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, देखिए वो सभी जितनी भी आपकी पोस्ट है AES में, चाहे आपकी TGT हो, PGT हो, PRT हो, PRT म्यूजिक हो या फिर आपका प्रिपरेटरी टीचर हो, देखिए वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका एक कॉमन पेपर रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज, और वो आपके सभी पोस्ट में आना है, तो वो सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बेसिकली वो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप लोग वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, अब आगे हम अगेन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके बेसिकली पूरे मिक्स रहेंगे, इसके अंदर आपका हिस्ट्री भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा पॉलिटी भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा, तो थोड़ा सा मिक्स करके करेंगे जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, राइट। जो लाइट ईयर होती है वो किस चीज़ की यूनिट होती है? ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बेसिकली देखो, अब आप ऑप्शन में लाइट ईयर देख के लाइट मत लगा देना, ठीक है। इसका आंसर रहेगा डिस्टेंस। देखो भाई, जो आपका लाइट ईयर होता है ना, ये बेसिकली आपकी एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी कि लाइट ने, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा किसी वैक्यूम में जाने के लिए एक साल के अंदर, ये बेसिकली आपका एक लाइट ईयर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि डिस्टेंस। उसके बाद आता है यस, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है, रेडियन होती है, रेडियन सेकंड होती है या फिर इस्टी रेडियन होती है। तो इसका आंसर है बेसिकली आपका इस्टी रेडियन। देखिए, ये वाला क्वेश्चन SSC में भी आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए भाई, जो भी फिजिक्स में जहाँ पे अगर स्केलर वेक्टर नहीं आया तो सोचो बेकार है फिजिक्स, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे फिजिक्स में स्केलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसके अंदर आपका मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी एंड वर्क। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है ना, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, राइट। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी दिया होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है ना। अगर हम यहाँ पे सपोज जैसे प्रेशर की अगर बात करती हूँ, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें पता है कि भाई इतना हमने प्रेशर लगाया। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं या वर्क की बात करते हैं, हमें पता है कि हमने यहाँ पे इतना जूल ऑफ वर्क किया, ठीक है, या फिर इतनी जूल ऑफ एनर्जी हमारी यहाँ पे लगी। तो ये सब चीज़ क्या होती है, ये बेसिकली हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है। बट अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बताइए, न्यूटन मास, अर्थ मास, सोलर मास या फिर ल्यूनर मेस। मेस नहीं है, ये मास है ना, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली आपका सोलर मास, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं कि भैया द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, बताइए। एनमोमीटर का यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं या फिर बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर। जो रेजर है ना, आपने सुना भी होगा रेजर कंपनी, और नाम भी बहुत अच्छा खासा सुना होगा, जिलेट जिलेट जिलेट, है ना। तो ये इन्होंने ही बेसिकली इसको इन्वेंट किया है, तो इसका आंसर सी है, यानी कि जिलेट। और इनका पूरा नाम पता है आपको, इनका पूरा नाम है किंग कैंप जिलेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ वर टू स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी इज, बताइए, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फिर रिमेन अनचेंज, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा या फिर जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली आपका रिमेन अनचेंज, ठीक है, यानी सी इज द बेसिकली राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज मेजर्ड विद, जो गैस का टेम्परेचर होता है उसको हम बेसिकली मेजर करते हैं किस चीज से, हाँ बताइए, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से, पायरोमीटर से, गैस थर्मोमीटर से या फिर वेपर प्रेशर थर्मोमीटर से। तो इसका सही आंसर रहेगा बेसिकली आपका पायरोमीटर, ठीक है। अब देखो, गैस करने से अलग अलग आता है, जैसे गैस थर्मोमीटर का भी यूज होता है, बट यहाँ पे मेन वो बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल एक गैस की बात कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल गैस के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पायरोमीटर का यूज करेंगे। क्योंकि भैया व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो इट्स वॉल्यूम,
बताइए उसका जो वॉल्यूम होगा, अगर हम वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका जो बेसिकली वॉल्यूम होता है, देखो सबसे पहले तो वो घटेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, और उसके बाद वो बेसिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली इज कॉल्ड, जब सॉलिड का, ठीक है, जब सॉलिड को हम बेसिकली डायरेक्टली चेंज करते हैं वेपर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं सबलीमेशन। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर वेपोराइजेशन भी लगा सकते हैं कि भैया सॉलिड से बना क्या वेपर, तो लगा दो इसका वेपोराइजेशन, है ना जयराम जी की, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको बेसिकली सबलिमेशन कहते हैं। देखो मैं आपको एक बार सब में डिफरेंस बता देती हूँ। अगर देखो हम बात करते हैं ना वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन होता है जब मान लीजिए सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड के अंदर चेंज हुई, ठीक है, कब होती है वो, जब उसको वो मेल्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग कहते हैं जब सॉलिड से कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और वो लिक्विड बन जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हो जाता है जब हम किसी भी लिक्विड को, जब आपने देखा है ना आप क्या करते हो, बर्फ को फ्रीज करते हो ना फ्रीजर के अंदर, तो वो वाला जो प्रोसेस है जब आप पानी से बर्फ बन जा रही है, तो वो एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो गया। इसी तरीके से वेपराइजेशन क्या होता है, जब आपका लिक्विड बन गया सॉलिड से, फिर लिक्विड के बाद जब वेपर्स बनते हैं ना, तो वो बेसिकली आपका वेपराइजेशन हो जाता है। बट अभी यहाँ पे क्या है, सबलिमेशन की बात करें, तो ये बेसिकली आपका एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी बीच का इंटरमीडिएट वो यूज नहीं करते हैं, एक लिक्विड फेस का यूज नहीं करते हैं, और सीधा सॉलिड से आपका बेसिकली क्या हो जाता है, वेपर में चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका डी इज द राइट आंसर, ओके। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, अब ये इको आपने पढ़ा होगा अच्छा खासा अपने साइंस में, जब आप लोगों ने 10th तक 12th तक साइंस पढ़ी होगी या 10th तक, तो वहाँ पे भी अच्छे से दिया हुआ है इको के बारे में। तो इको जो बेसिकली प्रोड्यूस होती है ना, ये किस चीज़ की वजह से होती है, ये बेसिकली आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है। आपने देखा होगा जब आप किसी माउंटेन वाले एरियाज पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप बोलते हैं ना, तो आपकी जो आवाज़ होती है वो इन बड़े बड़े उनसे टकरा के, माउंटेन से या कोई टावर्स आप कह सकते हो, तो वो अगेन क्या होती है, वापस आती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से। तो बेसिकली जो पूरा प्रोसेस होता है फिर आपको सुनाई आता है, देखना आपकी आवाज़ एकदम से गूंजती है जब आप चिल्लाते हो ऐसे या बोलते हो, तो वही आपका इको होती है बेसिकली। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का होता है, आपने देखा है जब आप रात में बोलते हो तो आवाज़ ज़्यादा देर तक आपकी आती है ना, तेज भी आती है और देर तक भी आती है इन कंपैरिजन टू डे, तो वो बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। तो ये बेसिकली इसमें आपका रहेगा, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार भी आपने बहुत ज़्यादा अपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा जब आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये बेसिकली ये भी आप लोगों का इको की जो प्रिंसिपल है इसी पे ही ये बेस्ड होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से आपके कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक ब्रेन है कंप्यूटर का, और उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, मैक्रोचिप कहते हैं, सॉफ्टवेयर या फिर मैक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली आपका माइक्रोचिप, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना, माइक्रो प्रोसेसर मत लगा देना, ठीक है, माइक्रोचिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं कि भैया परम वॉज डेवलप्ड बाय, बहुत सुना होगा आपने परम, परम है ना, और आपने सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर्स में सब बहुत सुना होगा, तो बेसिकली जो डेवलप्ड हुआ है ये आपका सीडैक, ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय सीडैक, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो आ गया ना इनपुट आउटपुट, ये तो देखो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक या फिर माइक्रोफोन, तो इसका आंसर रहेगा बेसिकली आपका मॉनिटर, है ना, बी इज द राइट आंसर। मॉनिटर क्या होता है जी, मॉनिटर होता है आपका आउटपुट डिवाइस, बाकी ये जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सारे आपके क्या है आउटपुट, सॉरी ये सारे क्या है आपके बेसिकली आउट इनपुट डिवाइसेज हैं, सॉरी, ठीक है, लेकिन जो मॉनिटर है ये बेसिकली आपका आउटपुट डिवाइस है, सॉरी मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, जब हम किसी भी डेटा को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर बेसिकली फीड करते हैं, एंटर्ड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तो इसको आप देखो इन्फॉर्मेशन मत लिख देना, इसका सही आंसर है बेसिकली आपका इनपुट, क्योंकि हम उसके अंदर कोई चीज़ अभी इन कर रहे हैं ना, अभी तो हम बेसिकली डेटा को, इंस्ट्रक्शन को उसके अंदर फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इनपुट होता है, तो यानी सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड विच स्टोरेज, फ्लैश, नॉन वॉलेटाइल, टेम्पोरेरी या फिर नॉन परमानेंट, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा नॉन वॉलेटाइल, यानी बी इज द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, बताइए ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या फिर अलॉटिंग। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, यानी बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है और आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है बताइए, एल्यूमिना, ब्रास, ग्रेफाइट या फिर सिलिकन। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। देखो मैं एक बार आपकी फॉर द नॉलेज बता दूं, जो बेसिकली ग्रेफाइट होता है ना, ये बेसिकली आपका एक एलोट्रॉप होता है जिसका कार्बन का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना की और सिलिकन की, तो ये जो दोनों होते हैं ये बेसिकली आपके ऑक्साइड्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्रास की, तो ये बेसिकली आपका अलॉय होता है कॉपर का और जिंक का, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, तो ऑक्सीजन और जो ओजोन होते हैं बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, एलोट्रॉप्स। उसके बाद आते हैं कैथोड रेज आर, जो कैथोड रेज होती हैं आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा कैथोड रेज वगैरह के बारे में फिजिक्स में, है ना। तो ये बेसिकली आपकी क्या होती हैं, कैथोड रेज, और ये तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कैथोड रेज के बारे में और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कैथोड रेज के बारे में। तो ये बेसिकली आप लोगों की स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, क्या होती हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एबुंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, बताइए आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर है डी, यानी कि एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई पल्सेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम द फैमिली, जो पल्सेस होती हैं वो बेसिकली किस फैमिली से ऑब्टेंड करी जाती हैं। तो इसका आंसर है सी, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, ये है लेग्यूमिनोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, बताइए इनमें से कौन सी क्रॉप के अंदर आपने देखा होगा, जो मतलब ऐसी कौन सी क्रॉप है जो बेसिकली ऐसी सॉइल में लगाई जाती है जो बिल्कुल फुल्ली होती है नाइट्रोजन से, इसके अंदर अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली इनमें से पी जो होती है ना, पीनट वाली जो क्रॉप होती है, इसको हम, यानी कि ये इसका सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर, पी है ना, मटर वाली क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोफ्यूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, बायोफ्यूल जो होता है वो बेसिकली ऑप्टेन करा जाता है किस चीज़ के सीड से। तो इसका सही आंसर है आपका जेटोर्फा, जो आपका जेटोर्फा वाला सीड होता है उससे हम बेसिकली बायोफ्यूल को क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग बाइट कॉज रेबीज, आपने सुना होगा कि जब डॉग काटता है तो क्या होती है, रेबीज हो जाती है। इसी तरीके से ऐसा कौन सा दूसरा जानवर है जिसके काटने से रेबीज होती है, तो बताइए डंकी, बैट, हॉर्स या फिर क्रोकोडाइल। तो इसका सही आंसर है बैट, है ना, चमगादड़ होता है जो भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग, बताइए इंडिपेंडेंट लीग, ये बेसिकली आप लोगों के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, हिस्ट्री वाले थोड़े से और पॉलिटी में भी कह सकते हो, इसमें मिक्स रहेगा आप लोगों का। तो किसने बेसिकली फाउंड करी थी इंडिपेंडेंट लीग, इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन, बताइए कब। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 12 मार्च 1930 और ये कब तक चला था, 12 मार्च से शायद 6 अप्रैल 1930 तक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, कब आया था कैबिनेट मिशन, ये आया था 1946, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म, सबसे जो पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो कहाँ पे बनी थी, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आपका प्रीएम्बल के अंदर चेंजेस हुआ था ना, तो वो किस अंडर, मतलब अंडर द किस एक्ट आता है वो। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और देखिए ये जो 42 वाला अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, बताइए कहाँ से लिया गया था बेसिकली ये वाला आइडिया जुडिशियल रिव्यू वाला। तो इसका आंसर आपका रहेगा बेसिकली यूएस से, है ना, अमेरिका से ये आइडिया लिया गया था जुडिशियल वाला। इसके बाद आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, बताइए इनमें से कौन सा स्टेट बेसिकली मेंबर है सेवन सिस्टर्स का, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि त्रिपुरा।
इसके अलावा आपको 6 और भी अलग अलग स्टेट्स पता होने चाहिए कि 7 जो सिस्टर्स हैं बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से अदर स्टेट्स और आते हैं, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज। मान लीजिए आपसे वही वाला पूछ लिया तो अरुणाचल प्रदेश आता है, इसके बाद आपका मिजोरम है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, और आप लोगों का एक नागालैंड है, और ये आपका त्रिपुरा हो गया। तो हो गए ना टोटल 7 सिस्टर्स। तो यही वाली चीज़ है। अब देखिए, अगर आपको भी सेशन पसंद आया हो, आपको लगे कि आपके लिए यूज़फुल है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हमें पता चले और फिर हम आगे अगेन फिर से हम सेशन ये वाला लेके आए डेली प्रैक्टिस के लिए, राइट? तो आप हमको ये चीज़ प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, फिर हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा के और ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, और ये सभी पोस्ट के इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच।